पे, और जहाँ लाइट होती है वहाँ पे ज्यादा चांसेस होता है, ठीक है ना। ऐसे जगह पे अपना तंबू भी नहीं होना चाहिए, और लास्ट टाइम का एक्सीडेंट के बारे में पता ही है, और बीच ऑपरेटिंग थोड़ा सा अच्छे से करना। देखो एक लास्ट टाइम में हम लोग दूसरे कंपनी में थे, एक एक्सीडेंट हुआ था वहाँ पे बीच ऑपरेटिंग में, क्या पीछे मतलब स्टिंगिंग में वो हुआ था, टावर रिएक्शन में नहीं हुआ था, स्टिंगिंग में हुआ था। बीच ऑपरेटिंग करते समय में वो जो लूप होता है ना, उसमें सीलिंग काफ़ी ज़्यादा निकलता है, वो लोग क्या करता है, तीन ही राउंड ग्रोथ फंसाया था, तीन राउंड नहीं, हमारा कम से कम पाँच छः राउंड होना चाहिए, जितना उसका ग्रोथ छः राउंड दिया हुआ वो प्रॉपर अच्छे से पूरा होना चाहिए। और जो साइड में लाभ होता है, लाभ बेल्ट एक लगा है, एक खुला हुआ, दो बेल्ट दिया गया है, दोनों बेल्ट को 100% लगा के मूवमेंट कर रहे हैं, एक लेग से दूसरे लेग जा रहे हैं, लगाना ही लगाना है, डायरेक्ट पोल लिफ्टिंग कर रहे हैं, डायरेक्ट पोल लिफ्टिंग करने में आपको रिट्रेक्टेबल ब्लॉक लगाना ही लगाना है। फर्स्ट सेक्शन कंप्लीट होता है, डायमंड लगाने के लिए आपको हर जेंटर लाइफ लाइन लगाना है, तो लगाना ही लगाना है। जो भी इक्विपमेंट आपको सेफ्टी रिलेटेड दिए गए वो सारे इक्विपमेंट यूज होने चाहिए, इंप्लीमेंट भी होना चाहिए, ये इंश्योर आप कराइएगा, ठीक है ना। कोई भी अगर मतलब सेक्शन वाइज जैसे काम चल रहा है तो उसको फोटोग्राफ भी शेयर करते रहना कि हमारा फर्स्ट सेक्शन में हॉरिजॉन्टल लाइफ लाइन यूज हो रहा है, उसका भी रिटेक्टेबल का ब्लॉक यूज हो रहा है। फोटोग्राफ नहीं आते आप लोगों के, सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो यही है कि इंश्योर ही नहीं हो पाता कि क्या चीज़ यूज हो रहा है। जैसे ये पीपी रॉक दिया हुआ है, टॉमी बाकी ने दिया है ना, इसमें टॉमी रॉक बना हुआ फोटो लेके हाँ आके हमारा टावर पे चढ़ रहा है, उसमें वो सब फोटोग्राफ शेयर करना है।